कुछ डिस्कस करेंगे यार अनंत। देखते हैं अभी देखो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में टेंशन फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग को लेकर के कैलकुलेट करने के लिए। और मैं इसको थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैं कनेक्टेड बॉडीज के थ्रू स्टार्ट करूंगा। जी अब रुक जाओ, कनेक्टेड बॉडीज के थ्रू है, डाउट्स रिमूव हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम वेट करो। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, इन सिंपल एग्जांपल कि ये दो मासेस आपस में कनेक्टेड हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल एग्जांपल है, इसका ध्यान देना। तो ये टू मासेस कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग मान के चलेंगे हम लोग। और लेट से यहाँ पर एक M2 मास कनेक्टेड है, यहाँ पर एक M1 मास कनेक्टेड है, और यहाँ पर हम लोग इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एक फोर्स F लगा रहे हैं, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है इस केस में, आइडियल केस मान के चल रहे हैं स्मूथ सर्फेसिस में। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है, वॉट इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो इसका सबसे आसान तरीका है, देखो क्या करोगे कि स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स होगी उसका डायरेक्शन पहले चेक कर लो। कि जो ये स्ट्रिंग है इसकी डायरेक्शन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर मास M1 के लिए टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग फॉर द मास M1 वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी, इसको टी से डिनोट करेंगे। और M2 वाले मास के लिए टेंशन फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड दिखाओगे, इसको भी टी से डिनोट करेंगे। और दोनों तरफ सेम टेंशन फोर्स इसलिए कंसिडर कर रहे हो आप, दोनों तरफ सेम टेंशन फोर्स कंसिडर करने का जो रीजन है वो बेसिकली आइडियल स्ट्रिंग है जिसको हम लोग मासलेस बॉडी मानते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल स्ट्रिंग के हिसाब से टेंशन फोर्स राइट साइड पर और टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड पर बराबर हो जाएगी। और अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसको कैलकुलेट करने, निहल सही आंसर है, इसको कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, तो एक्सेलरेशन जो M1 मास का होगा, अगर इसके लिए आप एक्सेलरेशन को A लिखते हो, तो कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग होने की वजह से M2 मास का भी सेम एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। अच्छा, फोर्सेस में नॉर्मल और ग्रेविटी भी होंगे, बट उनसे हमें कंसर्न नहीं होगा। रीजन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स M2 पर ऊपर की साइड पर और ग्रेविटी की फोर्स नीचे की साइड। सिमिलरली इस तरफ जाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ N1, ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में M1g। अब आप इसकी इक्वेशंस बनाओ F इक्वल्स टू ma वाली। तो फॉर M1 मास प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था कि आप हमेशा राइट हैंड साइड पर M1a लिखो और लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन के पैरेलल वाली फोर्सेस को लिखा जाए। तो ये जो एक्सेलरेशन a है इसके पैरेलल में अगर देखोगे आप, तो इसके पैरेलल M1 मास के लिए एक फोर्स कैपिटल F का और एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड पर माइनस t लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, M2 वाले मास के लिए जब लिखना होगा तो राइट साइड लिखो आप M2a, एंड नाउ सिंपल सा फोर्स पैरेलल टू द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के पैरेलल M2 वाले मास पर जो फोर्स है वो सिंपली कैपिटल T है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब इनको आप सिंपलीफाई करो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लगा करके, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेट करो कि A कितना होगा और कैपिटल T यानी कि टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इनसे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल और एमजी से मतलब नहीं है। रीजन बीइंग ये एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर साइड पर चल रहे हैं। हाँ जी, मैं कर चुके हो नॉर्मल में कर चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, इसके थ्रू जब आप सॉल्व करोगे तो टेंशन फोर्स की वैल्यू मिलेगी तुम्हें M2 इंटू कैपिटल F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये कैपिटल T की वैल्यू मिलेगी। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू मिलेगी आपको F ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये मेरा एक एलिमेंट्री एग्जाम्पल था। अभी एक और बेसिक एग्जाम्पल लो, है ना, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेंगे पहले, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अगर हम और कनेक्टेड बॉडीज को यूज करें, इसमें नंबर ऑफ बॉडीज और नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अगर आप इंक्रीज करते चले जाओ, तो इसमें टेंशन फोर्स आप निकाल सकते हो। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर 6 किलोग्राम, यहाँ पर 4 किलोग्राम, और यहाँ पर मान लेते हैं 2 किलोग्राम। यहाँ पर एक फोर्स लगाओ, लेट्स से 36 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और सेम क्वेश्चन है
स्ट्रिंग वन में और स्ट्रिंग टू में टेंशन फोर्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन है, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी फॉलो करेंगे, सेम प्रोसेस यहां पर भी फॉलो करोगे आप। स्ट्रिंग वन में टेंशन फोर्स हम T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर T1 से इस तरफ T1, और स्ट्रिंग टू में टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे T2 से। अब इसमें मैं नॉर्मल और MG को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा डायग्राम की क्लैरिटी के लिए, नॉर्मल MG रिप्रेजेंट नहीं करूंगा मैं, उसकी नीड नहीं है मेरे को। एंड नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा आंसर ये आ जाएगा कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड चलेगा तो इससे कनेक्टेड ब्लॉक यानी कि 4 किलोग्राम इसकी भी एक्सेलरेशन ए होगी, और इससे कनेक्टेड ब्लॉक 2 किलोग्राम की भी एक्सेलरेशन ए लिखोगे आप। अब आप 6 किलोग्राम वाले की इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन फॉर 6 किलोग्राम 6 इंटू ए इक्वल टू पैरेलल टू एक्सेलरेशन 36 फोर्स है और अगेंस्ट एक्सेलरेशन T1, सो माइनस T1 फर्स्ट इक्वेशन। 4 किलोग्राम बॉडी की इक्वेशन में 4 इंटू ए लिखेंगे और इसके ए के पैरेलल में T1 फोर्स, ए के अपोजिट साइड पर T2, सो T1 माइनस T2 सिंपल वे। एंड नाउ 2 किलोग्राम वाले के लिए जब लिखोगे आप तो 2 टाइम्स ऑफ ए थर्ड इक्वेशन, और इसमें ए के पैरेलल में सिर्फ T2 फोर्स है, बस इतना सा काम करना है आपको। अब इन तीनों को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, T1 और T2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब मैं कैलकुलेशन पार्ट जानबूझ करके थोड़ा सा स्किप करूंगा, एंड आप कैलकुलेशन अपने लेवल पे कर लो इन तीनों इक्वेशंस के थ्रू। तीनों को ऐड कर दोगे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते जाइए और आपको T1 और T2 मिलते जाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम जो है, बताइए, देख लो आ जाएगा आंसर बच्चा, इजी क्वेश्चंस होते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन में, मतलब ये दो कॉन्सेप्ट्स आप समझ लो, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कनेक्टेड बॉडीज वाले में। और अगर थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर ये इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, कनेक्टेड बॉडीज इन द इनक्लाइंड प्लेन है, ऑन द इनक्लाइंड प्लेन, तो भी सेम लॉजिक लगाओगे आप थीटा, और अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड है ऑन द इनक्लाइंड प्लेन, m1 मास और ये m2 मास, और इसको ऊपर की तरफ आप पुल कर रहे हो बाय अ फोर्स कैपिटल F, तो इनक्लाइंड प्लेन पर है और अपवर्ड पुल कर रहे हो आप बाय अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल F। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है, इसमें इक्वेशंस ऐसे बनाओगे, इनक्लाइंड प्लेन के केसेस में इक्वेशंस आप ये बना सकते हो कैपिटल F, उसके अलावा m1 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में T, m2 पर अपवर्ड डायरेक्शन में T। इनमें क्या होता है कि mg के भी कंपोनेंट्स करते हैं हम लोग, मतलब इन न्यूमेरिकल्स में जो इनके mg होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वेट m1g और m2g, उनको भी रिजॉल्व करोगे, और उनको रिजॉल्व करके जो कंपोनेंट्स बनते हैं हमारे m1 के कंपोनेंट, तो अगर आप डाउन द प्लेन साइड पर देखो, डाउन द प्लेन, तो इस तरफ बनेगा m1g into sin of theta, और परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला m1g cos theta प्लस नॉर्मल रिएक्शन n1, इस साइड नॉर्मल रिएक्शन n2, m2 का इस तरफ कंपोनेंट लिखाओगे m2g cos theta, और इस तरफ कंपोनेंट लिखाओगे m2g sin of theta। अब इनकी इक्वेशंस कैसे लिखोगे, इनके इन केसेस में अगर आपको इक्वेशंस लिखनी हो, कनेक्टेड बॉडीज हैं तो एक कॉमन चीज ये होगी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो m1 की इक्वेशन एक बार लिख के दिखा रहे हैं आपको, इक्वेशन फॉर m1 देखो क्या होगा। प्रीवियस क्लास में ये दिखा चुके इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, तो m1 a राइट साइड पर लिखा मैंने, और लेफ्ट साइड पर पैरेलल टू a m1 के लिए कैपिटल F की फोर्स है, और उसके अपोजिट यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट पे T है, और उसके अपोजिट पर m1g sin theta है, सो F माइनस T माइनस m1g sin theta फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली m2 वाले मास के लिए इक्वेशन बनाओगे, तो m2a पैरेलल टू द एक्सेलरेशन T और अपोजिट टू एक्सेलरेशन m2g sin theta, सो T माइनस m2g साइन ऑफ थीटा, बस ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फिर से इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
अदिति एक मिनट चेक कर रहा हूँ। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स से मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन हाँ क्योंकि ये बेसिक एग्जांपल्स के बाद ही आप एडवांस लेवल पे कुछ कर पाओगे, थोड़ा से और हायर लेवल क्वेश्चन जो है, बट ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखिए 1 2 3। नाउ कुछ और एग्जांपल देखो, वर्टिकल स्ट्रिंग होगी, अगर इंक्लाइंड प्लेन की जगह अगर आप वर्टिकल स्ट्रिंग का एग्जांपल पाओ तो वो भी करा जा सकता है। अगर मासेस वर्टिकल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, लाइक इस तरीके से कनेक्टेड है अगर ये वर्टिकल स्ट्रिंग से, तो भी आप सेम प्रोसेस लगाओगे, कंसेप्ट सब जगह एक ही होगा। लाइक 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, 6 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, और इसको अपवर्ड पुल कर रहे, मान लो पुलिंग अपवर्ड बाय से 100 न्यूटन फोर्स, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगी ये कैलकुलेट करना है आपको। ये वर्टिकल है, वर्टिकल, तो सेम प्रोसेस स्टेप्स आपके सिमिलर होंगे, मतलब वर्किंग मेथड में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फोर्सेस का गेम बदलता जाएगा। यहां पर अब यहां पर 6 किलोग्राम बॉडी पर टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 4 किलोग्राम बॉडी पर टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस क्योंकि ये वर्टिकल है, हाँ देव एक मिनट, वर्टिकल है तो इसमें ग्रेविटी की फोर्स को भी कंसिडर करना होगा, तो 6 × g, ग्रेविटी को 10 m/s² मान के चलेंगे तो 60 N की ग्रेविटी वाली फोर्स, और यहाँ पर 4 किलोग्राम के लिए भी ग्रेविटी की फोर्स आएगी 4 × g यानी कि 40 वाली। फिर से इनका एक्सेलरेशन ए एज्यूम करेंगे, अपवर्ड एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं इसमें, और इक्वेशंस में जी प्रणव, 6 किलोग्राम वाली बॉडी की इक्वेशंस में राइट हैंड साइड हो गया 6a और लेफ्ट हैंड साइड एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो पहले अपवर्ड फोर्स देखा जाएगा, और अपवर्ड फोर्स यहाँ पर 100 है, माइनस जो डाउनवर्ड फोर्स है 60 और t, तो -60 और -t फर्स्ट इक्वेशन। 4 किलोग्राम बॉडी के लिए राइट हैंड साइड पर 4 × a सेकेंड इक्वेशन, राइट साइड पर 4a, और लेफ्ट साइड पर अपवर्ड फोर्स टी माइनस डाउनवर्ड फोर्स 40। सिंपल, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो इसको। अच्छा एक मिनट अभिघना, एक मिनट, इसमें एक ना डेटा प्रॉब्लम है। इस 100 N को हम 200 कर देते हैं, 100 N को 200 करिए, 100 N की जगह 200, बिकॉज प्रीवियस डेटा में आंसर जीरो आ जाएगा, प्रीवियस वाले में आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो 100 N की जगह 200 N कर लीजिए, इंस्टेड ऑफ 100 200 कर लो, अब आपका आंसर आ जाएगा 200 से आंसर आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, और एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर कैपिटल टी भी सॉल्व कर सकते हो, कैपिटल टी कितना होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और देखो, हाँ ये एक एग्जांपल है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, देखो। हाँ जी प्रणव, इस एग्जाम्पल को देखिएगा आप, थोड़ा सा हम स्लाइटली अपना कंसेप्ट इंप्रूव, मतलब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। सो रेजिंग अ प्लेटफॉर्म, नाउ कंसेप्ट को देखना है, इसमें क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर कोई पर्सन है, मान ले पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म, और इस पर्सन से एक स्ट्रिंग, मतलब इसने एक स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है, और स्ट्रिंग अपर एंड पर किसी फिक्स्ड पुली से क्रॉस कर रही है, एक फिक्स्ड पुली को क्रॉस कर रही है, और दूसरे साइड पर ये स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म से अटैच है। सो पर्सन का मास स्मॉल m है, प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल m, और पर्सन स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, प्लस स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म से अटैच है। नाउ ये जो पर्सन है, ये पर्सन स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करता है बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ, पुलिंग डाउनवर्ड बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल एफ, पर्सन पुलिंग द स्ट्रिंग डाउनवर्ड बाय फोर्स कैपिटल एफ। और आपको इस क्वेश्चन में इस सिस्टम की एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी, फाइंड पार्ट वन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एंड द सेकेंड पार्ट टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। नहीं, अवेगना जीरो नहीं आएगा बच्चा। रेजिंग अ प्लेटफॉर्म मतलब आप क्या कर रहे हो, इधर से स्ट्रिंग को खींच करके प्लेटफॉर्म को ऊपर उठा रहे, प्लेटफॉर्म को रेज कर रहे हैं आप,
आर्टिकल देखो, रेजिंग अ प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, मतलब यहां पर फोर्स एफ डाउनवर्ड लगा रहे हैं और प्लेटफॉर्म को रेज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि पर्सन उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म जिसको आप रेज करा रहे हो अपवर्ड। सो एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है और ग्रेविटी यहां पर जी को कंसिडर करते हुए। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये अगर आप लोगों ने लगाया होगा कुछ बुक्स वगैरह को तो आपको ये क्वेश्चन मिला जरूर होगा। देखो सबसे पहले अगर आप ये चेक करो कि पर्सन के ऊपर फोर्सेस कौन सी होंगी, अगर आपको एनालाइज करने को दिया जाए कि फोर्सेस यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप पर्सन का ड्रॉ करते हो तो क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दैट पर्सन, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इस टाइम पर, सुनिएगा ध्यान से। नंबर वन, ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एम इंटू जी, प्लस पर्सन अगर प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग है तो प्लेटफॉर्म का एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा अपसाइड पर, नॉर्मल रिएक्शन बाय दैट प्लेटफॉर्म। उसके अलावा क्या फोर्स आएगी, अगर ये पर्सन स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल करेगा तो उसका भी एक रिएक्शन आएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, पर्सन स्ट्रिंग पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा अगर तो उसका एक रिएक्शन बनेगा, देव बच्चा एक मिनट को, रिएक्शन ये होगा कि अगर हम लोग इस पर स्ट्रिंग पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ स्ट्रिंग इस पर्सन पर अपवर्ड फोर्स एफ लगाएगी एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से। सो स्ट्रिंग पर्सन पर जो फोर्स लगा रहा है वो कैपिटल एफ है, स्ट्रिंग पर्सन पर फोर्स लगाएगा कैपिटल एफ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है जी, अब इसकी डेफिनेशन पे आओ, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग का मतलब यही है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स पर जो फोर्स लगाएगा उसी को आप टेंशन फोर्स का नाम देती हूँ। हाँ जी अदिति, स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए वही चीज टेंशन इन द स्ट्रिंग है। सो ये एफ जो है ना यही चीज टेंशन फोर्स कही जाएगी, टेंशन फोर्स अलग से नहीं आएगा कुछ। स्ट्रिंग पर अगर हम लोग एफ फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्टली आप इस एफ को ही कह सकते हो कि ये एफ जो है यही चीज स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स है, सेम होगा एफ के बराबर। तो एक पार्ट तो हमारा डेफिनेशन से हो जाएगा, दूसरा पार्ट कैसे होगा, देखो आप पर्सन के फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ मुझे प्लेटफॉर्म का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम इस प्लेटफॉर्म का भी ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा वो देखो। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर ग्रेविटी की फोर्स कैपिटल एम जी, यहां पर जो स्ट्रिंग अटैच है, ये जो स्ट्रिंग अटैच है ये स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म पर ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगाएगी, तो एक अपवर्ड टेंशन फोर्स इस वाले स्ट्रिंग से जो प्लेटफॉर्म से अटैच है, स्ट्रिंग जो प्लेटफॉर्म से अटैच है ये ऊपर के साइड एक टेंशन फोर्स लगाएगा, बट कैपिटल टी इक्वल टू एफ लिखना होगा आपको, टेंशन फोर्स को एफ के बराबर ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और फोर्स होगी, ये पर्सन जब प्लेटफॉर्म पर था तो प्लेटफॉर्म ने पर्सन पर अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट किया था तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन भी प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, फोर्सेस हमेशा ही पेयर्स में दिखाई जाती हैं, तो एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब अगर इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन ए लिखते हो आप कि इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि पर्सन के पास कितनी एक्सेलरेशन बनेगी। अगर हम ये मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म ए एक्सेलरेशन से ऊपर राइज कर रहा है तो फिर पर्सन कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, इसका क्लियर आंसर है कि पर्सन उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो फिर पर्सन की भी एक्सेलरेशन को हम ए के बराबर करेंगे। और अब इक्वेशंस लिखो आप, पर्सन की इक्वेशन राइट साइड एम इंटू ए, लेफ्ट साइड पर आते हैं, लेफ्ट साइड इस ए के पैरेलल में कैपिटल एफ, ए के पैरेलल में कैपिटल एफ प्लस ये नॉर्मल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, फर्स्ट इक्वेशन पर्सन के लिए। इक्वेशन फॉर प्लेटफॉर्म जब लिखोगे आप तो कैपिटल एम इंटू ए, और इसके लिए एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है उस तरफ कैपिटल टी यानी कि एफ,
और अपोजिट साइड पर माइनस एन एंड माइनस एम जी, ये दो इक्वेशन। नाउ अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके कैलकुलेट कर लो कि आप एक्सेलरेशन ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद दे वो अपेरेंट वेट होता है, रियल वेट इंक्रीज नहीं होता है, अपेरेंट वेट होता है वो। हाँ जी हाँ जी सुबह ठीक है आंसर ठीक है। एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको आंसर बताना पड़ेगा, सिमिलर क्वेश्चन है विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। जी नहीं ठीक है बच्चा, नहीं ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आज नहीं करेंगे बच्चा। देखो एक सिमिलर क्वेश्चन देंगे स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ में और आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या बनेगा। सो अगेन सेम सिमिलर क्वेश्चन है, अवेगना रहन दो बच्चा, आंसर आप चेक कर लेना। तो सिमिलर क्वेश्चन ये है दैट यहां पर जो स्ट्रिंग डाउनवर्ड आ रही है ये फर्दर एक पुली से अटैच की गई है और ये वाली पुली प्लेटफॉर्म से अटैच है। दो दो पुलीज ले रहे हैं, एक ऊपर सीलिंग से अटैच है और एक प्लेटफॉर्म से अटैच है, डबल पुली सिस्टम। प्रोसेस सिमिलर है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है और सिमिलर कंसेप्ट है कि पर्सन पुलिंग द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय फोर्स कैपिटल एफ। तो सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन फॉर दिस सिस्टम। नहीं डेव वो नहीं होगा बच्चा, गबर आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो, आप लोग एक बहुत बेसिक एरर करने जा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। पर्सन पर फोर्सेस बताओ पहले क्या होगी, इस पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे आप ये बताएं, और प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। फंडामेंटल स्टेप को स्किप करने की वजह से हमारा न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, न्यूमेरिकल न होने का रीजन यही है कि हम फंडामेंटल स्टेप को स्किप कर रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सन पर ग्रेविटी स्मॉल mg, नॉर्मल अपसाइड और इस f का रिएक्शन ऊपर की तरफ, रिएक्शन ऑफ f इज अपसाइड, ये तीन फोर्सेस होंगी इसके ऊपर। प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, तो ग्रेविटी की फोर्स कैपिटल mg, सुबह यहां ठीक है एक मिनट बच्चे, ग्रेविटी की फोर्स कैपिटल mg, इस नॉर्मल का डाउनवर्ड रिएक्शन, नॉर्मल का डाउनवर्ड रिएक्शन। अब टेंशन फोर्स कितनी होगी ये जरा आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट पर ध्यान देना है आपको कि टेंशन फोर्स प्लेटफॉर्म पर कितना कंसिडर करोगे आप, क्या वो एफ के बराबर होगा या फिर टू एफ के बराबर होगा। देखिए टेंशन फोर्स और एफ दोनों सिमिलर हैं, टेंशन और एफ बराबर हैं इसमें, तो यहां पर वो पुली वाला कंसेप्ट लगाओ कि अगर यहां पर हम टी दिखाते हैं और यहां पर टी दिखाते हैं, तो रिकॉल करिएगा जो स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म से अटैच है, स्ट्रिंग जो प्लेटफॉर्म से अटैच है, यहां पर आप जो टेंशन फोर्स दिखाओगे वो 2F के बराबर दिखाना होगा, 2F के बराबर। बाकी पार्ट सिमिलर है, बाकी पार्ट सिमिलर है बच्चा। देव एक्सेलरेशन सेम होगा भाई, आप इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो अगर ये प्लेटफॉर्म ए एक्सेलरेशन से रेस करेगा तो पर्सन उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो इसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं है, दोनों की सेम एक्सेलरेशन होंगी। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म है और इन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन आ जाए। जितना हाइट पर्सन, जितना प्लेटफॉर्म को राइज कर रहे हुए उतना ही पर्सन भी राइज करेगा, बिकॉज उसको उस पर स्टैंडिंग रखना है, पर्सन को प्लेटफॉर्म पर खड़े होना है, तो सेम एक्सेलरेशन दोनों के केसेस में। अब इसकी इक्वेशन लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन, मास इसका स्मॉल एम है तो एम इंटू ए, ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है देव, हाँ। और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फिर अब n प्लस एफ माइनस स्मॉल mg, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली प्लेटफॉर्म के केस में कैपिटल m इंटू ए, हाँ जी यार उसको केस अलग होता, और लेफ्ट साइड पर 2f, डाउनवर्ड साइड n और माइनस कैपिटल mg। अब इससे आंसर कितना आएगा ना, एक इतना आएगा, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड करके तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा।
है ना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर, तो मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3F माइनस M प्लस स्मॉल m इंटू जी एंड होल डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m। एक बार मैं आंसर लिख देता हूँ, आप कन्फर्म कर लेना, यही आंसर आएगा। पिछले वाले में यहाँ पर 2F था और इस वाले में यहाँ पर 3F था, पिछले क्वेश्चन का अगर आप आंसर पूछोगे इसके पहले वाले क्वेश्चन का, तो यहाँ 2F आएगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3F आएगा। अब आपको पैटर्न समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, पैटर्न आप अपने आप समझिएगा, ये रेजिंग अ प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट। नाउ ठीक है तेजस्वी, रिकॉर्डिंग है ना, नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे, देखो, ठीक है, हाँ जी विनायक, ठीक है, लॉजिक सही है। चलो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं जो एग्जांपल चूज करूंगा ना, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से रखिएगा इन एग्जांपल्स को। मैं अब मैसिव स्ट्रिंग कंसिडर करने जा रहा हूँ, मतलब अभी तक तो हमने स्ट्रिंग कंसिडर किया था जिसमें मास नहीं था, अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स वो कंसिडर करूंगा जहां पर स्ट्रिंग में मास होगा। मैसिव स्ट्रिंग के एग्जांपल लेने जा रहा हूं, तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल यहां पर ये है, फर्स्ट एग्जांपल मतलब नेक्स्ट टू थ्री एग्जांपल्स जो हैं वो स्ट्रिंग के मास को कंसिडर करने के बाद हैं। अभी तक के एग्जांपल्स में स्ट्रिंग का मास कंसिडर नहीं किया गया था, आइडियल स्ट्रिंग मान के चल रहे थे, तो अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है यहां पर, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, उसका भी एक मास है, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसमें, ठीक है, इसको आप स्ट्रिंग मान सकते हो। अब स्ट्रिंग क्या, बेसिकली रोप होगी, रोप रस्सी, तो इसके अंदर मास है, मतलब ये जो रोप है इसके अंदर एक मास है, और उसका मास डिफाइन किया जा रहा है आपको स्मॉल m, और उसकी लेंथ है कैपिटल l, ये टोटल लेंथ जो रोप की है वो l है, उसका मास स्मॉल m है, और रोप के राइट एंड को फॉरवर्ड पुल करते हो बाय द फोर्स ऑफ कैपिटल F, फॉरवर्ड पुल कर रहे हैं कैपिटल F से। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी, और सेकंड क्वेश्चन स्ट्रिंग के टेंशन फोर्स को लेकर के है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा अगर वो फाइंड आउट करना है, और सेकेंडली स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन बताने हैं आपको। तो एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए आप एक डायरेक्ट लॉजिक लगाओ कि अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो तो डायरेक्ट तरीका क्या है, आप पुलिंग फोर्स चेक कर लो। हाँ जी देव, पुलिंग फोर्स एफ है और टोटल कितना मास पुल किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए इसमें दो क्वेश्चन हैं एक्चुअली, पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद सुनो नेहल बच्चा एक मिनट सुनो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पांच मिनट मतलब दो मिनट के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन सुनिएगा। कैपिटल एफ की फोर्स लगा रहे, ठीक है, रोप और ब्लॉक, हम रोप को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं, पहले आप न्यूमेरिकल सुनो। फर्स्ट पार्ट आपको एक्सेलरेशन बताना है, सेकंड पार्ट आपको ये बताना है कि टेंशन फोर्स की वैल्यू पॉइंट पी पर कितनी है एट पॉइंट पी, एंड देन आपको ये बताना है कि टेंशन फोर्स की वैल्यू पॉइंट क्यू पर कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो तरीका एक बार देखो कैसे करेंगे ना, इसको प्रोसेस क्या होगा ये समझो आप, पॉइंट पी पर कितना टेंशन फोर्स होगा ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। पॉइंट पी की टेंशन फोर्स आप डेफिनेशन से निकाल सकते हो, टेंशन फोर्स एट पॉइंट पी बाय डेफिनेशन आएगा। हाँ जी देव, बाय डेफिनेशन इसलिए आएगा कि पॉइंट पी पर अगर आप कैपिटल एफ फोर्स राइट साइड लगाओगे तो इस पॉइंट पर एक्शन एंड रिएक्शन लॉ लगाओ, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ एट द पॉइंट पी, कि अगर हम पॉइंट पी को फॉरवर्ड पुल करेंगे विद एफ फोर्स तो उसका रिएक्शन ये होगा कि स्ट्रिंग बैकवर्ड पुल करेगी बाय द सेम फोर्स। सो स्ट्रिंग की वजह से पॉइंट पी पर एक बैकवर्ड फोर्स आएगा, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से वो इक्वल टू एफ होगा। सो टेंशन एट पॉइंट पी डेफिनेशन से आ जाएगा इक्वल टू कैपिटल एफ कहना पड़ेगा आपको, बाय डेफिनेशन हो जाएगा ये। बाकी दो के लिए मुझे इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, इक्वेशंस कैसे बनाएंगे सुनो आप। इक्वेशंस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ब्लॉक और स्ट्रिंग को सिवांश सुनिए एक मिनट ध्यान से सुनो, पहले इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग कोई मैसेजिंग ना करो अभी, आप सुनो, मैं चांस दूंगा डाउट के लिए।
पॉइंट क्यू पर निकालना है ना आपको, तो लॉजिक सुनिएगा। मैसिव रोप को एक ब्लॉक की तरीके से कंसिडर करिए, मैसिव रोप को, और ध्यान से सुनना मैं जो पॉइंट स्टेटमेंट कह रहा हूं, कि आपको जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालनी है, आपको पॉइंट क्यू पर टेंशन फोर्स निकालनी है ना, तो आप पॉइंट क्यू पर पॉइंट क्यू की लेफ्ट साइड का मास और पॉइंट क्यू के राइट साइड का मास कंसिडर करो। जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालना चाहते हो, हम लोग पॉइंट क्यू पर निकालना चाह रहे, तो पॉइंट क्यू की लेफ्ट साइड पर कितना मास है वो देखा जाए, और पॉइंट क्यू के राइट साइड पर कितना मास है वो देखा जाए। अब उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट इसको न्यूमेरिकल को आसान कराने के लिए क्या करोगे, आप इस एग्जाम्पल को फॉलो करिए, इस एग्जाम्पल को, कि अगर दो मासेस किसी आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों, स्टेटमेंट सुनना आप यहां पर है, अगर दो मासेस आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तो ये न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हो। इस न्यूमेरिकल को आप सिंपल वे में कर सकते हो, इधर वाले मास की इक्वेशन लिख लो f माइनस t बराबर m1 a, और दूसरे वाले मास की इक्वेशन लिख दो। तो मैं इसी एग्जांपल का रेफरेंस लेने जा रहा हूं, इसी को रेफरेंस लूंगा। स्टेटमेंट मेरा क्या है सुन लो आप, न्यूमेरिकल्स इससे आसान हो जाते हैं हमारे लिए। जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालनी है उसके लेफ्ट और राइट साइड का मास कंसिडर करो, और प्रॉब्लम को टू ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर दे, इस प्रॉब्लम को टू ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर दे। इमेजिन ये कर लो आप कि लेफ्ट साइड पर मास कैपिटल एम है, ठीक है, पॉइंट क्यू की बात हो रही है, और पॉइंट क्यू के राइट साइड का जो मास है, द मास आफ्टर पॉइंट क्यू, मतलब पॉइंट क्यू के राइट साइड वाला मास, वो स्मॉल एम है। तो हम प्रॉब्लम को अपने लेवल पर चेंज करके हम लोग ये मान सकते हैं कि दो मासेस कनेक्टेड है, एक स्मॉल m, ये न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूं आपको। न्यूमेरिकल आप सिंपल वे में कैसे करोगे सुनो, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है उसके दोनों तरफ के मासेस को दो ब्लॉक की तरीके से कंसिडर किया जाए, और वर्चुअली इनके बीच में एक आइडियल स्ट्रिंग मान ली जाए, वर्चुअली, तो एक आइडियल स्ट्रिंग इनके बीच में वर्चुअल मान लिया जाए, और फिर जो कैपिटल एफ है वो यहां पर अप्लाई कर दिया जाए। अब ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन के सिमिलर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर। तो इसको आप कैसे करेंगे ना, इसको करने के लिए ये न्यूमेरिकल करने का तरीका बताया मैंने सिर्फ मेयर। अब आप यहां पर जो टेंशन दिखाओगे वो टी क्यू से डिनोट करना, बिकॉज ये सब कुछ मैंने पॉइंट क्यू पर किया है। अब हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, तो इस वाले मास के लिए इक्वेशन बनाओगे, स्मॉल एम मास के लिए, कैपिटल एफ माइनस टेंशन फोर्स एट पॉइंट क्यू इक्वल टू द मास एम इंटू एक्सेलरेशन, और लेफ्ट वाले मास के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो कैपिटल एम इंटू ए और वहां पर टेंशन एट पॉइंट क्यू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, अभी रुके रहना, अभी दो तीन एग्जांपल, आप इसका आंसर बस लिखो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है मुझे, ठीक है। पहले आप अपना आंसर रेडी रखो कि टेंशन पॉइंट क्यू पर कितनी आ रही है, उसका आंसर आप रेडी रखें, क्या वैल्यू बन रही है टेंशन एट पॉइंट क्यू की, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। और सॉल्व क्या करना है, बेसिकली डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करके ए एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड करते ही ये ए एलिमिनेट कर जाएगा, या फिर ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो आप, ऐड करके आपको ए मिल जाएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं ये, तो अगर इनको ऐड करते हो आप तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल एफ ओवर एम प्लस एम, और फिर ए की वैल्यू को पुट करके टेंशन एट पॉइंट क्यू निकाल सकते हो, विच इज कैपिटल एम एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसको समझने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं, अभी कुछ और एग्जांपल। मान लो मुझे स्ट्रिंग के बीच में कोई पॉइंट है, स्ट्रिंग का मिड पॉइंट आर है, और अब आपसे किसी ने कहा है कि पॉइंट आर पर भी टेंशन बतानी है मुझे, आर इज द मिड पॉइंट, एंड क्वेश्चन है व्हाट इज टेंशन फोर्स एट द पॉइंट आर। जी सर, इस ये जो रोप है सर, इसका लीनियर डेंसिटी यूनिफॉर्म है? हम यूनिफॉर्म ही लेंगे, अभी तो सिंपल ही मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म वाला ही केस है। हाँ, तो आर मिड पॉइंट है, आर जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो मेरा स्टेटमेंट सुनना, मैंने भी आपसे एक स्टेटमेंट कहा है कि आपको जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है
आप उस पॉइंट से एक डिवीजन करो, उस पॉइंट से आप डिवाइड कर दो सब कुछ, सिस्टम को डिवाइड कर लीजिए। जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है वहां से सिस्टम डिवाइड करो। आस्था सुनो बच्चे, हमें आर पे निकालना है तो आर से हमने सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक आर की लेफ्ट साइड वाला पार्ट और एक आर के राइट साइड वाला पार्ट, और उनको दो ब्लॉक्स की तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, उनको हम दो ब्लॉक्स मान लेते हैं। लेकिन उनके मास्टर्स क्या होंगे ध्यान दो जरा, अगर आर मिड पॉइंट है तो राइट साइड वाला मास कितना होगा, आर अगर मिडिल पॉइंट है, स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है वो, तो मास आर और पी के बीच में जो होगा वो बेसिकली एम बाई टू हो जाएगा, तो एम बाई टू का एक ब्लॉक मान लो, और आर की लेफ्ट साइड टोटल मास, आर के लेफ्ट साइड पर टोटल मास, टोटल मास जो कि आर के लेफ्ट साइड पर होगा वो होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई टू। जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना है वहां से सिस्टम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, और उसके बाद इनको एक वर्चुअल आइडियल स्ट्रिंग मान लो, एक वर्चुअल आइडियल स्ट्रिंग, और अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कैसे होगा। यहां पर एफ मान करके अब इस क्वेश्चन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी देखो। तो अब हम यहां पर जो टेंशन दिखाएंगे ना वो टेंशन एट आर पॉइंट दिखाएंगे, टेंशन एट आर पॉइंट। अब इक्वेशंस कैसे लिखोगे इसकी, तो सिमिलर है, सेम इक्वेशंस बनेगी। अगर एक्सेलरेशन को ए मानते हैं तो फिर इस एम बाई टू मास के लिए यानी एम बाई टू इंटू ए इक्वल टू एफ माइनस टेंशन एट आर, और इस वाले ब्लॉक के लिए यानी कि कैपिटल एम प्लस एम बाई टू वाले ब्लॉक के लिए बात करेंगे इंटू ए, तो वो इक्वल टू टेंशन एट आर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना होगा और इससे पता लगाएंगे कि टेंशन फोर्स आर वाले पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर मतलब इस प्रोसेस के थ्रू आप उस स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकाल सकते हो, और जरा मुझे कैलकुलेट करके आप ये बताओ इस पॉइंट पर आंसर निकालने के बाद, आंसर पहले आप ले आओ है ना, पहले अपना आंसर कैलकुलेट करो। आस्था ये इससे आ रहा है, आर अगर मिड पॉइंट है तो m बाई टू मास रोप का होगा और कैपिटल m ये होगा। मेरा स्टेटमेंट ये था जिस पॉइंट पर टेंशन फोर्स निकालनी है वहां से पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करके मानेंगे, एक पार्ट टोटल r के लेफ्ट साइड का होगा, एक पार्ट r के लेफ्ट साइड, तो टोटल मास जो r के लेफ्ट साइड पर है वो कैपिटल m इस ब्लॉक का और m बाई टू इस रोप का, टोटल मास ऑन द लेफ्ट साइड, उसको मिला करके एक ब्लॉक मानेंगे, वन ब्लॉक, और आप कैलकुलेट करो इसका आंसर है ना, आप अपना आंसर कैलकुलेट करिए। और जब आपका आंसर कैलकुलेट हो जाए तो अब मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज दे रहा हूं, यहां पर अपना आंसर आप लोग कैलकुलेट करो और मैं कुछ न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा, न्यूमेरिकल डेटा एफ। अब एक मिनट, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा हूं, सो एफ की वैल्यू 100 न्यूटन है, कैपिटल एम की वैल्यू 10 किलोग्राम और स्मॉल एम की वैल्यू 5 किलोग्राम। तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके जो भी आपके आंसर्स आए हैं मुझे ये बताओ, टेंशन पॉइंट पी पर कितना होगा, टेंशन पॉइंट क्यू पर कितना होगा और टेंशन पॉइंट आर पे कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही, सिंबॉलिकली किया था अब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो भी आपके आंसर्स आए हैं उनमें ये वाला डेटा एंटर करो, इस वैल्यू को उसके अंदर एंटर कराओ, जो भी तुम्हारे आंसर्स हैं उसमें एफ की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू, स्मॉल एम की वैल्यू एंटर करवाइए और कैलकुलेट करके बताइए कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो टेंशन एट पॉइंट पी में तो कोई डाउट है नहीं, ये तो 100 न्यूटन है ना। क्यू पॉइंट का टेंशन कितना आएगा, अभी जो पीछे कैलकुलेट किया यहां से, ये चीज इसके अंदर बस वैल्यू रखनी है तुम्हें, यहां पर सबकी वैल्यू रखनी है, तो टेंशन एट क्यू पॉइंट कितना आ रहा है, क्यू पॉइंट ओके 200/3 ओके, एंड आर पॉइंट पर कितना आएगा, आर पॉइंट पर जो यहां से आपके आंसर आए होंगे, यहां से जो आंसर आए हैं मुग्धा, यहां से उस उन आंसर्स में तुम आर वाले पॉइंट का बताओ कितना आ रहा है। राघव 25/3 नहीं होगा वो, 250/3 होगा, 250/3 आना चाहिए आर वाली वैल्यू। कैलकुलेट कर लो बच्चा जल्दी से बताना, 250/3 है या 25/3 है टेंशन एट आर पॉइंट, है ना 250,
250 बाय 3 न्यूटन, राइट? ये आंसर्स आएंगे आपके। तो ये एक सिंपल वे है न्यूमेरिकल्स को डील करने का, न्यूमेरिकल को डील करने का बड़ा आसान तरीका है कि आपको जिस पॉइंट पर टेंशन चाहिए वहां से सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और उसको दो ब्लॉक का सिस्टम मान लिया जाए, कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग मान लिया जाए, एंड बेसिक लेवल पर क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अब मैं एक और एग्जांपल यहां दे रहा हूं, ठीक है? अब आप इसे न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से बताना, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, ठीक है? तो देखिए एक और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन एक और ले रहे हैं। अरे आयुष रुको भाई एक मिनट, मैं कह रहा हूं आप बस न्यूमेरिकल देखो आज। फॉर एग्जाम्पल ये सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सेम प्रॉब्लम हो गई। तो अब हम जो रोप है उसकी उसका 5 किलोग्राम मास है और मान लेते हैं कि वो 100 सेंटीमीटर लेंथ का है, रोप की लेंथ 100 सेंटीमीटर की है और ये 10 किलोग्राम मास है और यहां पर जो फोर्स लगा रहे हो वो 100 न्यूटन का लगा रहे हो। अब आपको कोई एक रैंडम पॉइंट लिया गया है, कोई एक रैंडम पॉइंट यहां पर मान लेते हैं, है ना, कोई रैंडम पॉइंट ए मान लो जो कि फ्रंट साइड से लेट से 30 सेंटीमीटर पे है सिर्फ। नाउ व्हाट इज टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए, क्वेश्चन ये है, टेंशन एट पॉइंट ए कितना होगा हमारे लिए? देखिए कंसेप्ट अगर आप समझ जाओगे ना तो आप स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो टेंशन फोर्स, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा। तो मेरा आप स्टेटमेंट, एक मिनट रुके रहिए, लॉजिक क्या था मेरा भी कि आपको जहां पर भी टेंशन निकालनी है ना तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है सिर्फ वहां से डिवाइड करो उसे। इतना तो आप कर सकते हो ना कि पॉइंट ए पर इसको डिवाइड करके, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता क्या कि कितना मास ए की लेफ्ट साइड पर है और कितना मास ए के राइट साइड पर है? क्या ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है? क्या ये कैलकुलेशन नहीं हो सकता कि पॉइंट ए के लेफ्ट और पॉइंट ए के राइट साइड पर क्या मासेस हैं? यूनिटरी मेथड तो फॉलो कर सकते हो, 100 सेंटीमीटर की रोप का मास अगर 5 किलोग्राम है तो 30 सेंटीमीटर की रोप का मास कितना होगा ये नहीं निकाल सकते यूनिटरी मेथड से? यूनिटरी मेथड फॉलो करते हुए आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यूनिटरी मेथड से कि जो मास होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर 100 सेंटीमीटर 5 किलोग्राम का है तो 30 सेंटीमीटर कितने किलोग्राम का होगा ये आसानी से निकाला जा सकता है। जी नहीं, और अगर ये कैलकुलेशन कर पाते हो ना फिर क्वेश्चन आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, दो मासेस बनाओ, है ना, दो मासेस बनाओ यहां पर। राइट वाला मास कितना होगा ना, अगर आपने कैलकुलेशन सही से किया होगा कि मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लॉजिक लगाइएगा कि मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो राइट वाला मास आपको 1.5 किलोग्राम मिलेगा और लेफ्ट वाला अगर ये पोर्शन 1.5 किलोग्राम का है तो 3.5 किलोग्राम ये और प्लस 10, 3.5 प्लस 10 ब्लॉक को भी ऐड करो उसमें, टोटल मास हो जाएगा 13.5 किलोग्राम एंड नाउ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। हाँ जी अभिज्ञान, बस इतना ही करना है यार, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। 100 न्यूटन यहां पर, इसमें हम टेंशन फोर्स दिखा देंगे, ये टेंशन फोर्स पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग होगा और अब इक्वेशंस बनाएंगे एक्सेलरेशंस को लेकर के। तो फिर 100 माइनस टेंशन एट ए बराबर 1.5 इंटू ए फर्स्ट इक्वेशन और 13.5 वाले के लिए हो जाएगा 13.5 ए विच इज सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट ए। अब अपना आंसर बता दो कितना आ रहा है। कुछ लोग 90 न्यूटन कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कुछ और आंसर दे रखा है, तो मैं फाइनल आंसर सुनना चाहूंगा कि इसके थ्रू टेंशन एट पॉइंट ए कितना बन रहा है ना। 90, अच्छा विनायक 450, राघव 90, सभी का आंसर 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। सागर, शिवांश, देव, विघ्ना, अच्छा स्वस्तिक 90, प्रणव सिंह। हाँ जी प्रणव, क्या होगा बताओ, बस बात कर लो। 13.5 देखो ऐसे होगा यार ये, प्रणव देखो
सर आपने 10 वाले को ऐड कर दिया था क्या उसमें शायद से? हाँ, मैं यही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको। हाँ यस सर, यस सर, ठीक है कि ठीक। आप आपको ना पॉइंट ए के लेफ्ट जितना मास है वो सब काउंट कर लूँ, जितना भी मास है। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने अलग लेकर कर लिया था इसलिए। नहीं 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 ब्लॉक को इंक्लूड कर लीजिए उसमें, ब्लॉक इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो इससे मेरे को थोड़ा सा फास्ट मेथड है, आंसर जल्दी आ जाता है, एंड टेंशन एट पॉइंट ए इसके हिसाब से। अब मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ कि 90 न्यूटन का आंसर बनेगा, है ना, आपकी कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करते हैं और सही है। तो इस तरीके से हम लोग मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से किसी भी पॉइंट पर। अब सिंपल है कि भाई आप पॉइंट चेंज कर दोगे ना, अगर ए पॉइंट 30 सेंटीमीटर की बजाय किसी और मान लो 70 सेंटीमीटर पे होता तो फिर लेंथ के प्रपोर्शन में मास बदल जाएगा, राइट वाला मास कुछ और हो जाएगा, लेफ्ट वाला मास कुछ और हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली मेरा अलग आंसर आएगा फिर। यानी कि इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन फोर्स अलग अलग आएगा। हाँ जी एक्शन से एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, एक्सेलरेशन के लिए मेहनत नहीं करनी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, डायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस लॉजिक को हम कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो लॉजिक है इसको आप कहीं भी लगाइए, मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस स्टेटमेंट को हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी टेंशन के आप टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि यार एक ये देख, मतलब ये वर्टिकल स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिंग वाला। ठीक है जी, वर्टिकल स्ट्रिंग का एग्जाम्पल ले रहे, ध्यान से करिएगा। तो यहां पर 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट और कनेक्टेड है उससे एक रोप। देखिए वर्टिकल स्ट्रिंग बोलने में कुछ फर्क नहीं होता, वर्टिकल स्ट्रिंग का मतलब सिर्फ ग्रेविटी और ऐड हो जाएगा, मतलब वर्टिकल स्ट्रिंग के कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। तो ये रोप मान लेते हैं, इसके बारे थोड़ा सा 2 किलोग्राम और 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 किलोग्राम और 100 सेंटीमीटर की रोप है और 10 किलोग्राम का यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, और जो फोर्स हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो सपोज 180 न्यूटन है, 180 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो आप। ग्रेविटी जी की वैल्यू को 10 मानेंगे, न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई रखने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानेंगे, और आप इसका कुछ नाम दे देते हैं ए और बी, और पॉइंट सी इसका मिडल पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट, पॉइंट सी जो है वो मिड में है बिल्कुल। आप बताओ ए पॉइंट पर टेंशन फोर्स, सी पॉइंट पर टेंशन फोर्स और बी पॉइंट पर टेंशन फोर्स, ये आपके क्वेश्चन है। टेंशन एट ए, टेंशन एट सी पॉइंट एंड टेंशन एट बी पॉइंट। इनफैक्ट देखो मैं किसी भी पॉइंट पर, मैं क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको एग्जाम्पल्स लीजिएगा। अब ये मत कहना कि सर अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, अरे भाई मिड पॉइंट नहीं होगा तो उसी के हिसाब से मास भी चेंज कर दोगे। अगर मिड पॉइंट की बजाय किसी और पॉइंट पर निकालना है तो उसी उसी रेशियो प्रपोर्शन के हिसाब से मासेस चेंज कर दीजिए, और ये रोप यूनिफॉर्म मानेंगे हम ऑब्वियसली, है ना, यूनिफॉर्म रूप मानना पड़ेगा आपको, एक जैसी रूप है। तो पॉइंट ए वाला टेंशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो टेंशन फोर्स पॉइंट ए पर निकालने के लिए किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन से हो जाएगा। ये आंसर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 180 न्यूटन कह सकते हो, जितना वहां पर फोर्स है ना। देव ध्यान से सुनो बच्चे, बाकी पार्ट्स के लिए क्या करना है, जैसे मान लो अगर आपको पॉइंट सी पर टेंशन चाहिए तो अब आप बताओ, देखो सुनो कैसे करेंगे, पॉइंट सी के पॉइंट सी पर डिवाइड कर देते हैं इसको, पॉइंट सी से डिवाइड कर दू। अब बताओ पॉइंट सी के ऊपर कितना मास है, सुबह बच्चा एक मिनट रुको, पॉइंट सी के ऊपर की तरफ देखा जाए तो कितना मास मिलेगा आपको, टोटल मास वेसेज अबव अ पॉइंट सी 1 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक ऑब्जेक्ट मानो 1 किलोग्राम, और पॉइंट सी के नीचे कितना मास है, अगर हम पॉइंट सी के नीचे का मास कैलकुलेट करें, ये टोटल मास जो पॉइंट सी के नीचे है, टोटल मास उसमें ब्लॉक इंक्लूड करना है, तो वो हो गया 11 किलोग्राम। अब आप इसको एक नॉर्मल आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो, है ना, नॉर्मल आइडियल स्ट्रिंग मान लीजिए, नॉर्मल आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, और अब आप एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया, अब ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन कैसे हो गया देखो, इसके बाद क्या करना है, एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अभी 180 न्यूटन
वन किलोग्राम का ग्रेविटी 10 और यहाँ पर टेंशन फोर्स पॉइंट सी वाली, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स पॉइंट सी वाली, ग्रेविटी की फोर्स 110। ग्रेविटी की फोर्स को कंसिडर कर लेना, ग्रेविटी की फोर्स कई लोग मतलब स्किप कर जाते हो या माइंड में आता नहीं है, वो भूल जाते हैं। ग्रेविटी की फोर्स कई बार इग्नोर हो जाती है, जिस वजह से न्यूमेरिकल गलत हो जाता है मेरा। अब इसकी इक्वेशंस क्या बनाएंगे, तो 1 किलोग्राम वाले के लिए 1 इंटू ए इक्वल टू 180 माइनस 10 माइनस टी सी। 11 किलोग्राम वाले के लिए टी सी माइनस 110 इक्वल टू 11 ए। अब जो भी इसका आंसर बने, है ना बच्चा, इसका आंसर जो भी आपके हिसाब से आ रहा है वो देख लो। 185 आ रहा, अच्छा 275, अरे आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो भी कह रही है 275, अविघ्ना कह रहे हैं 175 या 185। अच्छा 185 तो नहीं आ सकता आंसर, 180 से तो कम ही आएगा आंसर। तो भी गलत कर रहे हो, 180 से तो कम आंसर आएगा ना, 180 से ज्यादा टेंशन तो आ ही नहीं सकती। शुभांकर 165 आ रहा क्या, 165 ना, हाँ ठीक है, तो चलो ये आ रहा, ओके ओके 165 न्यूटन, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, है ना, अगर आप चाहोगे तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो, वो भी आ जाएगा। वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, मतलब बहुत बड़ी डील नहीं है कोई कि एक्सेलरेशन कैसे आएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, आसानी से बहुत आसान से निकाल सकते हो। अब आपको एट बी पॉइंट चाहिए, देखो एट पॉइंट बी, प्रोसेस ये रखना, प्रोसेस ये रखो पॉइंट बी। तो अब आप पॉइंट बी से डिवाइड करो, पॉइंट बी पर डिवाइडर बना दो। तो उस डिवाइडर में एक तरफ 10 किलोग्राम हो गया पॉइंट बी के लिए 10 किलोग्राम, और पॉइंट बी के ऊपर 2 किलोग्राम और नॉर्मल स्ट्रिंग, देन ये 180 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब इतनी देर में अब आप समझ गए होंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, इतने एग्जांपल्स के बाद मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं है तो फिर और एग्जांपल्स अभी ऐड करेंगे फिर। बट आई होप कि थोड़ा सा आप क्लियर हो गया होगा। नहीं विश्वास, देखो फिर मैं कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं उसको बस बच्चा अभी फॉलो कर लो, है ना। और यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रेविटी को कंसिडर करना ना भूलिएगा, अदरवाइज आंसर मिस्टेक हो जाती है। 20 ग्रेविटी और यहाँ की ग्रेविटी 100। जी शुभंकर। और अब इक्वेशंस, 2 किलोग्राम की इक्वेशन 180 माइनस 20 माइनस टेंशन एट बी बराबर 2a। 10 किलोग्राम के लिए टेंशन एट बी माइनस 100 इक्वल्स टू 10a। अब आप देख लो कितना आ रहा है। अच्छा तो काफी लोग कह रहे नहीं 180 से ज्यादा आनंद नहीं आएगा, टेंशन एट बी की वैल्यू 150। ओके 180 से ज्यादा आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 180 आपने फोर्स लगाया, उससे ज्यादा टेंशन स्ट्रिंग में कभी नहीं आएगी। और नहीं नेहल, एक्सेलरेशन तो एक ही आएगा, एक्सेलरेशन तो आप जैसे मर्जी निकालो वो 5 ही आएगा। टेंशन फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग आएगी, बट एक्सेलरेशन कहीं से भी कैलकुलेट करोगे 5 आएगा। चाहे आप यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो, चाहे यहां से कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हर जगह से 5 आएगी, है ना। और टेंशन फोर्स बदलेगा, स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टेंशन फोर्स आएगी। ठीक है चलो, ये वर्टिकल स्ट्रिंग, तो वर्टिकल स्ट्रिंग में ग्रेविटी का ध्यान रखना है। जी बताएं सर, ऐसे क्वेश्चंस में जब हम ले रहे हैं कि जो रोप है उसमें भी मास है और ऑब्जेक्ट में भी मास है, तो सर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों नहीं लेते हैं? क्या नॉर्मल रिएक्शन सरफेसेस में होता है, रोप में होता ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लेन सरफेस, तो रोप को सरफेस नहीं माना गया ना, वो एक अलग ऑब्जेक्ट माना गया है। ओके सर, नॉर्मल रिएक्शन के लिए कोई फ्लोर हो, कोई सीलिंग हो, मतलब सरफेस हो, कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस होना चाहिए। हाँ जी प्रणाम। और एग्जाम्पल देखो, बट इस एग्जाम्पल से पहले मैं तुमको एक बेसिक एग्जाम्पल करा दूं। देखो ये एक बेसिक एग्जाम्पल, सो दैट कि अगले क्वेश्चन को इससे रिलेट कर पाओगे। ये बहुत ही ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है, मतलब कुछ एग्जाम्पल जिसको कहते हैं, वो ये, दो मासेस सिर्फ हैंग कर रहे हैं, हैंगिंग, कहीं नहीं जा रहा, मतलब सब स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये M1 मास है और ये M2 मास है, ऊपर भी आइडियल स्ट्रिंग है और नीचे भी आइडियल स्ट्रिंग है। आप बता दो इसमें क्या टेंशन फोर्स आएगी। सिस्टम कहीं मूव नहीं कर रहा, होल सिस्टम इज एट रेस्ट, सब कुछ रेस्ट पे है ये,
क्या कहते हो आप, लोअर स्ट्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स होगी और अपर स्ट्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स होगी अगर सिस्टम स्टेशनरी है तो, कहीं पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही है तो। नहीं जी मुग्धा बच्चा क्या कर रहे हो, न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ अपना लॉ नहीं, न्यूटन लॉ, फोर्सेस दिखाओ, स्किप ना करो, आप स्टेप को स्किप नहीं करना है वरना फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर M1G और यहाँ पर एक टेंशन फोर्स T1, फिर यहाँ पर भी T1 दिखाओगे, फिर यहाँ पर एक M2G और फिर ऊपर वाले स्ट्रिंग में T2 दिखाना है। और न्यूटन लॉ फॉलो करिए ना, जिसमें ये कहा गया है कि कोई सिस्टम रेस्ट पे तभी हो सकता है जब उसकी सारी फोर्सेस बैलेंस कर दी जाएं। सारी फोर्सेस बैलेंस कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये आएगा T1 equal to M1G एंड T2 equal to, सुबह यादव कुछ जल्दीबाजी कर रहे हो आज, T2 जो होगा वो M2 plus M1G के बराबर होगा, T2 equals to M2 plus M1G। सर वो मैंने T1 T2 उल्टा लिया था, T1 ऊपर लिया अच्छा, था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है हाँ, तब ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। देखो बच्चा मैं फिर कह रहा हूँ, चैप्टर को ना आप स्टेप्स में चलिए, कभी गलत नहीं होगा। स्टेप को मतलब अगर ओवर स्टेपिंग करोगे कि एक दो स्टेप गायब कर दें, तो ओवर स्टेपिंग में तो हम लोग वैसे भी गिर जाते हैं, अगर चलते चलते आप ओवर स्टेपिंग करो तो गिरोगे नहीं। तो सेम चीज न्यूमेरिकल में है, हैंगिंग रोप आप आराम से स्टेप बाय स्टेप करिए, कभी नहीं गिरोगे, कभी नहीं, कभी न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता। और मैं फिर कह रहा हूं भाई ये चैप्टर आपको बता रहा हूं आपसे, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है अगर स्टेप बाय स्टेप चलाया जाए तो। देखिए इसके अंदर क्या होगा ना, ये एक रोप है नॉर्मल सी, ठीक है, जस्ट सिंपल रोप है और कुछ नहीं है, जस्ट अ रोप, इसके साथ कोई ब्लॉक नहीं है। तो ये रोप है जिसका मास हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं और इसकी लेंथ को l मान लेते हैं, लेंथ इक्वल्स टू l। और ये कहा जा रहा है कि जो इसका बॉटम एंड है, मतलब क्वेश्चन ये है, फाइंड टेंशन फोर्स एट डिस्टेंस, मैं एक जनरलाइज डिस्टेंस लूंगा अब, एट डिस्टेंस स्मॉल x above the free end। अब free end का मतलब कौन सा end होता है यहाँ पर, कौन सा free end होगा यहाँ पर, अगर free end की बात करें तो कौन सा free end हुआ, मतलब top end free है, मतलब A और B में से कौन सा free end कहोगे आप, है ना। तो obviously B वाला, free end का मतलब जो B है जहां से कुछ अटैच नहीं है, free end मतलब जहां कुछ भी अटैच नहीं है। देखिए और सबसे पहला कंसेप्ट कि free end पर टेंशन फोर्स कितनी दिखाओगे, किसी भी रोप के फ्री एंड पर टेंशन फोर्स की वैल्यू, फ्री एंड का मतलब यहां वाला, यहां पर टेंशन फोर्स की वैल्यू। नहीं नहीं भदौरिया जी ध्यान सुनो, डेफिनेशन फॉलो करो। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि फ्री एंड मतलब पॉइंट बी पर टेंशन फोर्स, आप लोग डेफिनेशन से स्किप कर रहे हो। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। जब बी को आप फ्री एंड कह रहे हो यानी वहां कोई अटैचमेंट नहीं है, टेंशन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रणव आंसर सही है। बी जो है वो फ्री एंड है, फ्री एंड, यहां पर किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी स्ट्रिंग को कोई भी पुल नहीं करेगा, यहां पर पॉइंट बी पर कोई पुलिंग फोर्स नहीं होगा। इस बात को समझो पहले, फ्री एंड्स पर टेंशन फोर्सेस हमेशा जीरो दिखाना होगा आपको, फ्री एंड का मतलब भाई एक तो आप फ्री एंड कह रहे हो मतलब ऐसा एंड जहां किसी का कांटेक्ट नहीं है, तो जब कांटेक्ट नहीं है तो फिर टेंशन फोर्स यानी पुलिंग फोर्स कैसे लाओगे, स्ट्रिंग को खींचोगे कैसे। तो सबसे पहला रूल ये होगा, नहीं आयुष ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी से टेंशन नहीं बता रहे, रुकिए, टेंशन जो फ्री एंड होगी किसी भी न्यूमेरिकल्स में, इसको ध्यान रखिएगा, ये जीरो हो जाएगा, टेंशन एट द फ्री एंड विल बी जीरो। अब लोगों के मन में ग्रेविटी का कंसेप्ट आ रहा है, तो ग्रेविटी वाला कंसेप्ट मैं समझाता हूं आपको, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी देखो। मेरे को बॉटम से स्मॉल एक्स डिस्टेंस ऊपर जाकर के कोई पॉइंट है, मान लो पी है, और यहां पर टेंशन फोर्स निकालना है, तो मेरा प्रोसेस सेम रहेगा क्या, जिस पॉइंट पर आपको टेंशन निकालना है वहां से इस रोप को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वहां से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये कितना मास होगा, मतलब उस पॉइंट पी के नीचे कितना मास आएगा और पॉइंट पी के ऊपर कितना मास आएगा, इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको, शुभांकर, ठीक है? और वो कैसे होगा, लेंथ के प्रपोर्शन में चले जाओ कि अगर एल लेंथ के करस्पॉन्डिंगली आप एम मास कह सकते हो, इतनी लेंथ का मास अगर एम होगा तो फिर एक्स लेंथ के करस्पॉन्डिंग का मास निकाल सकते हैं कि कितना मास होगा यूनिटरी मेथड फॉलो करते हुए। तो उसके बाद तुम्हें करना सिर्फ ये है, देखो उसके बाद सिर्फ ये करना है कि जहां पर टेंशन फोर्स तुमको निकालनी है वहां से आप इसको फिर से उसी प्रोसेस के थ्रू दो ब्लॉक मानिए, दो ब्लॉक, मेरा स्टेटमेंट सुनना यार, स्टेटमेंट सुनिएगा मेरा, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना है उसके नीचे वाले मास को एक ब्लॉक मान लेते हैं, एक ब्लॉक जिसका मास लेंथ के प्रपोर्शन में जा करके एम अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाएगा, और ऊपर वाले का मास कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का मास तो वो भी लेंथ के प्रपोर्शन में जाओ, एम अपॉन एल और एल माइनस एक्स, ठीक है? ये मास हुआ, ये मासेस हुए, मासेस, और उसके बाद इसको एक नॉर्मल न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। नॉर्मल न्यूमेरिकल क्या होगा, इनको एक आइडियल स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दूं, एक ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल बनाओ आप इसको, आइडियल स्ट्रिंग मान लो, सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग, मतलब मैं यहां पर इस एग्जांपल का रेफरेंस देने जा रहा हूं, इस एग्जांपल का रेफरेंस। तो जिस पॉइंट पर टेंशन निकालनी थी उसके नीचे वाले मास को एक ब्लॉक मान लिया जाए, उसके ऊपर वाले मास को एक और ब्लॉक मान लिया जाए, और टू ब्लॉक्स सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग का एग्जांपल मान लो आप। अब जो पिछला वाला कंसेप्ट है वही फॉलो करिए। सबसे पहले यहां पर ग्रेविटी की फोर्स, तो ग्रेविटी की फोर्स उसका मास इंटू जी, और यहां पर टेंशन फोर्स टी, फिर यहां पर भी टेंशन फोर्स टी, और ये कौन से पॉइंट की टेंशन फोर्स की बात कर रहे हैं, ये टेंशन फोर्स कौन से पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, जिस पॉइंट पर आपने डिवाइड किया उसको, तो पॉइंट पी पर डिवाइड किया था तो ये टेंशन फोर्स पॉइंट पी वाला है, पॉइंट पी वाला, और फिर एक टेंशन फोर्स ऊपर वाली, ये कौन सी टेंशन फोर्स है जो ऊपर दिखा रहे हो, तो ये टेंशन फोर्स पॉइंट ए वाली है जहां से सीलिंग अटैच की जा रही है, टेंशन फोर्स पॉइंट ए पर जहां से हम सीलिंग अटैच कर रहे हैं। और इस एग्जांपल को फॉलो करो, मैं फिर कह रहा हूं इस एग्जांपल को फॉलो करिए, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो अगर हम फोर्सेस की बैलेंसिंग करते हैं लोअर मास के लिए, इस लोअर मास के लिए अगर आप फोर्स बैलेंस कर दूं, इसके फोर्सेस को अगर बैलेंस किया जाए, तो अपवर्ड साइड पर टेंशन एट पी है और डाउनवर्ड साइड पर एम बाई एल एक्स इंटू जी, फर्स्ट इक्वेशन फोर्स बैलेंस करके। लेकिन अगर आप अपर ब्लॉक के लिए फोर्स बैलेंस करोगे, अगर आप अपर ब्लॉक का फोर्स बैलेंस करते हो, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स एट द अपर ब्लॉक, तो उसमें ध्यान से सुनना क्या होगा, उसमें एक ऊपर की साइड टेंशन फोर्स है, एक नीचे की साइड टेंशन फोर्स है, प्लस यहां ग्रेविटी की भी फोर्स होगी। तो अगर अपर ब्लॉक के लिए बैलेंसिंग करोगे तो टेंशन ए जो ऊपर की साइड लग रहा है इक्वल टू डाउनवर्ड टेंशन टीपी प्लस प्लस जो इसका ग्रेविटी वाला फोर्स है, यानी कि एम अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स जी। अभी आप क्या करोगे ना, अगर आप टेंशन एट पी की वैल्यू यहां पर रखोगे, टेंशन एट पी की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करोगे, हाँ जी अभिज्ञान, अगर ये वाली वैल्यू यहां पर रिप्लेस करो और दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो एक्चुअली आपका बड़ा एक अजीब सा रिजल्ट आएगा कि टेंशन एट पॉइंट ए जो होगा वो जस्ट इक्वल टू mg करके देखो आप, मतलब ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन एट p वाली वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको मिलेगा mg के बराबर। यानी कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या कह रहा है सुनना, कि जो ग्रेविटी की फोर्स है, अभी कुछ लोग इस बात पे कंफ्यूज थे कि b पॉइंट पर टेंशन आएगा, तो आपका कंफ्यूजन मैं क्लियर कर रहा हूं, सुन स्टेटमेंट को सुनिएगा ध्यान से। लेकिन ग्रेविटी की वजह से इस रोप पर जितना भी फोर्स लगेगा,
मतलब ग्रेविटी इस पूरी रोप पर जितना फोर्स लगाएगी वो सीलिंग वाले टेंशन फोर्स से बैलेंस होता है. फोर्स बाय ग्रेविटी ऑन द रोप बैलेंस्ड बाय टेंशन फोर्स एट द सीलिंग पॉइंट, जहां ऊपर टॉप टॉप पॉइंट, यहां वाली टेंशन से बैलेंस होगा, नीचे वाले पॉइंट के टेंशन से बैलेंस नहीं होगा वो. फिर से बोल रहा हूं, हैंगिंग रोप के केसेस में फोर्स बाय द ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय टॉप मोस्ट पॉइंट, नॉट बाय द बॉटम मोस्ट पॉइंट. टॉप मोस्ट पॉइंट की जो टेंशन फोर्स है वो बैलेंस कर लेगी इसके टोटल ग्रेविटी को, और अगर आप टॉप मोस्ट के अलावा नहीं, विरायक टेंशन डाउनवर्ड कैसे आएगा? डाउनवर्ड इसलिए देखो नहीं आएगा, रीजन क्या है ना, आप ये बताओ ये सीलिंग जो होगी ये स्ट्रिंग पर किधर फोर्स है? हाँ तो पुल करेगा, बिल्कुल सही है. तो सीलिंग स्ट्रिंग पर किधर फोर्स लगाएगी? अगर आप स्ट्रिंग की बात करो तो ये जो सीलिंग है ये टेंशन पुलिंग फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स. तो ये सीलिंग जो है जहां से स्ट्रिंग आपकी हैंग कर रहे, जहां से लटकाया है तुमने इसको, तो ये सीलिंग इस रोप पर कौन से साइड पर फोर्स लगाएगा आप बताओ? इस सीलिंग की वजह से किधर फोर्स आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में? पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स का स्टेटमेंट ध्यान रखो ना आप. तो वो जो सीलिंग है वो रस्सी को ऊपर खींचेगी, ये सीलिंग रस्सी को ऊपर खींच रही है और ग्रेविटी इस रस्सी को नीचे खींचेगी, यानी कि इस रोप पर ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करेगी और ये सीलिंग अपवर्ड पुल करेगा. इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि ग्रेविटी की फोर्स को सीलिंग वाला टेंशन फोर्स बैलेंस कर देगा, और किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर टेंशन निकालना है ना तुमको, अगर किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर टेंशन निकालना है तो फिर वही मेथड फॉलो कर लो. किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए आप जो अभी मैं मेथड बता रहा हूं कि जहां पर टेंशन फोर्स निकालनी है वहां से दो मासेस डिवाइड कर दीजिए, उस रोप का एक मास इधर मान लो और एक मास इस तरफ मान लीजिए, डन, आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन मैं फिर एक बार बोलूंगा, ये जो मैंने बैलेंसिंग की है ना, ये बैलेंसिंग तब की है ना जब आपको ये कहा जाए कि ये रोप स्टेशनरी रोप है, रेस्ट पे है, क्योंकि हम सब कुछ न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. हाँ जी आयुष, बिल्कुल सही है, फ्री एंड पर जीरो मास है इस वजह से, फ्री एंड का मास जीरो है इस वजह से वहां पर टेंशन फोर्स जीरो है. और वो मैं बाय डेफिनेशन भी कह रहा हूं यार, टेंशन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो जिस एंड पर कॉन्टेक्ट हो गया वहां फ्री कैसे हो गए आप? वो फ्री हुआ ही नहीं. अब हाँ प्रणव, और मैथमेटिकली भी आ जाएगा. मैं सिर्फ एक आपको नोट दिखा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम है कि वो कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ करके ना आंसर्स को याद करना चाहते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है न्यूमेरिकल करते वक्त. देखिए सेम क्वेश्चन है ना, दैट इज अ रोप जिसका मास m है, लेंथ l है. प्रॉब्लम बिल्कुल वही है कि इससे x डिस्टेंस ऊपर जा करके आपको यहां पर टेंशन फोर्स बतानी है कि कितना होगा. लेकिन इस बार जो ये सीलिंग है वो किसी लिफ्ट की सीलिंग मान लेते हैं, किसी एलिवेटर की सीलिंग है, एंड वो लिफ्ट या एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट किया जा रहा है. तो अब ये रेस्ट वाला केस नहीं बचा. अब आप ये नहीं कह सकते कि रोप जो है वो रेस्ट पे है और न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बैलेंस हो जाएगी, ये काम नहीं कर सकते आप. देखो प्रोसेस तो आप करो, प्रोसेस जो मैंने बताया है वही चलेगा, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है. प्रोसेस क्या चलेगा, आप दो ब्लॉक्स मान लीजिए, जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना है वहां से दो ब्लॉक्स मान लीजिए. हाँ तो एक मास नीचे की तरफ, प्रोसेस वही रहेगा, एम अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये नीचे वाला मास हो जाएगा, और एक मास ऊपर की तरफ लगा दूं, एक मास ऊपर की तरफ, ठीक है. और ये मास कितना हो जाएगा जो ऊपर की तरफ मास लगाएंगे, ये वाला मास, तो ऊपर वाला मास जो होगा वो बेसिकली आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना. सब्ट्रैक्शन करके जब निकालेंगे तो ये m अपॉन l एंड देन l माइनस x हो जाएगा. सिंपल यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हो. इसके बाद ये अगर आप कुछ a पॉइंट नाम दे दो तो यहां पर जो टेंशन दिखाएंगे वो पॉइंट a के करस्पॉन्डिंग होगा,
और अगर मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो बी कह देता हूँ, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट बी है वो टेंशन फोर्स यहाँ पर दिखाई जाएगी ऊपर की तरफ। अब आप ये सोचोगे ना कि ये ऊपर क्यों दिखा रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअली ये जो टीबी मैं दिखा रहा हूँ दिस इज पुल बाय द सीलिंग दिखा रहे हैं आप यहाँ पर, कि ये जो सीलिंग है ये रस्सी को ऊपर खींच रही है, हाँ इसलिए ऊपर दिखा रहे हैं। और प्लस ग्रेविटी की फोर्स को भूलना नहीं है, क्या होता है ना कि नॉर्मली ग्रेविटी की फोर्स को हम लोग प्रैक्टिस में नहीं होता है, जिस वजह से स्किप कर जाते हैं हम लोग, भूल जाते हैं, और भूलने का मतलब कहानी खत्म। बस इतना कर लीजिए। और अब आपकी बार ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं है, अब आप जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि ये फोर्सेस बैलेंस कर दूं, बैलेंस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये कोई ये रेस्ट पे नहीं है। जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो ये भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे होंगे, तो आपको F इक्वल टू ma वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, F इक्वल टू ma वाली। तो नीचे वाले मास के लिए m अपॉन l इंटू x इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन के साइड ta। जी शुभंकर सही है, मतलब फाइनल आंसर में तो वही होगा x इंटू g। और ऊपर वाले मास के लिए, ऊपर वाले मास के लिए m बाई एल एल माइनस एक्स इंटू ए, और लेफ्ट साइड पर यहाँ टी एट बी माइनस टी एट ए माइनस m बाई एल एल माइनस एक्स इंटू जी, ये आंसर बनेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर बन जाएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या बनेगा, एक्चुअली जब आप सॉल्व करेंगे। हाँ जी प्रणव, हाँ वो भी है बट वो अभी कंसेप्ट मैंने यूज नहीं किया है। तो टेंशन एट पॉइंट ए जो बनेगा ना सॉल्व करने के बाद, वो आ जाएगा m बाई एल एक्स, यहाँ g प्लस ए आ जाएगा। और टेंशन एट b पॉइंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो m g प्लस ए। अभिज्ञान बिल्कुल सही है कि हम लोग g की जगह g प्लस ए कर सकते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव तरीका हो जाएगा। तो अगर आप लोग का कंसेप्ट उस मामले में क्लियर है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो कि जहां पर g था उसको रिप्लेस करके g प्लस ए कर दें एंड आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वो एपरेंट ग्रेविटी का कंसेप्ट है, वो डिस्कस किया जाएगा स्यूडो फोर्स के नाम पर, बट अभी नहीं। सर जी, सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, लिफ्ट को स्टेशनरी मान ले और उसका एक्सेलरेशन सुपरइंपोज करते हैं। कर सकते हो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कर सकते हैं बिल्कुल, वो भी एक तरीका है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग रिलेटिव भी कर सकते हो, लेकिन मैं उनके उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो बेसिक एक सिंगल ट्रैक पे चलना चाह रहे हैं। तो दोनों तरीके हैं, है ना, एपरेंट ग्रेविटी वाला कंसेप्ट जी प्लस ए करके निकाल दो, या फिर ये जो बेसिक स्टेप है वो करो आप, बिल्कुल बेसिक स्टेप का। सर एक से लास्ट पेज वैसे दिखा दीजिए। जी जी बताइए। अच्छा क्वेश्चन देखना है इसका, एक मिनट बताओ। ओके थैंक यू सर। ओके तो अब देखो, अगर आपने स्टेप समझ लिया, मेरा प्रोसेस समझ लिया होगा, तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमने अच्छे खासे लिए हैं अभी टेंशन फोर्स समझाने के लिए, कई एग्जांपल्स मैंने ले लिए। और अगर आपको मेरा वर्किंग मेथड समझ में आया होगा ना, तो आप इसके बेसिस पर जितने मर्जी क्वेश्चन चाहो उतने कर सकते हो। अब ना एक प्रॉब्लम आता है जहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन बेसिकली जो स्ट्रिंग्स के केस में कॉमन है वो है रोप क्लाइंबिंग वाला, है ना। तो एक पहला बेसिक अगर लोगे आप रोप क्लाइंबिंग का, जो बेसिक एग्जांपल होता है, मतलब चोरों का एग्जांपल कह सकते हैं इसको, जैसे घरों में चोरी करनी है अगर, तो चोर जो होते हैं, हाँ अरुज और एच सी वर्मा में इनके बंदरों वाले क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप देखोगे तो बंदर वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुम्हें। हाँ तो भाई ये ना क्या है, ये रोप है। पहले तो आप सिंपल क्वेश्चन देखिए, ठीक है, और रोप क्लाइंबिंग के लिए कोई पर्सन है, तो आप उसकी जगह आप बंदर भी मान सकते हो, ठीक है, पर्सन मानो चाहे बंदर मान लो। तो ये जो पर्सन है, ये रोप क्लाइंबिंग के लिए, आपको सबको पता है कि जो टॉप एंड होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, और पर्सन अगर रस्सी के ऊपर चढ़ रहा हो, रोप क्लाइंबिंग तुम में से कई लोगों ने करा है, सभी ने करा है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये पर्सन रस्सी को किस तरफ खींचते हैं, मतलब अगर रोप क्लाइंबिंग करनी है तो आप रस्सी को किस तरफ पुल करते हो,
मतलब कौन सी डायरेक्शन में पुल करेंगे, और पर्सन का मास अगर हम यहाँ पर एम मान लेते हैं तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। रोप क्लाइंबिंग अगर किसी ने भी प्रैक्टिस की होगी तो हम सबको पता है कि जो पर्सन होता है वो डाउनवर्ड पुल करता है। तो आप क्या कह सकते हो कि पर्सन पुल्स द रोप विथ एफ डाउनवर्ड। तो क्लाइंबिंग क्यों होती है? अगर पर्सन रस्सी को नीचे खींचेगा तो वो ऊपर कैसे चढ़ जाएगा? फिर क्लाइंबिंग कैसे पॉसिबल है? अगर आप रस्सी को नीचे की तरफ खींचोगे तो आप ऊपर कैसे चढ़ोगे? तो आंसर ये है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, कि अगर हम लोग रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये रस्सी हमें ऊपर खींचेगी, ठीक है ना। पुल बाय रोप, पुल ऑन रोप नहीं, पुल बाय रोप, ये इक्वल टू एफ ऊपर होगा, प्लस ग्रेविटी इस डाउनवर्ड पुल करेगा, राइट। अब अगर क्लाइंबिंग कांस्टेंट स्पीड पर हो रही है तो, इफ क्लाइंबिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या इक्वेशन बनेगी, और अगर क्लाइंबिंग विथ एक्सेलरेशन है तो क्या इक्वेशन बनेगी? क्लाइंबिंग विद एक्सेलरेशन है तो क्लाइंबिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी में न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाइए, जहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो फोर्स बैलेंस कर सकते हो। रेस्ट पर या यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, तब तो आप ये कह दोगे कि एफ इक्वल टू एम जी होगा। लेकिन अगर उसमें एक्सेलरेशन ए है तब ये काम नहीं कर सकते, तब क्या होगा? एफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ का राइट हैंड साइड एम ए, लेफ्ट हैंड साइड एफ माइनस एम जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हाँ, अगर ऐसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप करने जा रहे हैं हम, कि जो रस्सी है यार, एक डायग्राम गड़बड़ हो गया, चलो चलो देखिए, अगर अगर कुछ केस ऐसा हो जाए कि ये जो रोप है ना, ये रोप भी मूव कर रही हो, मतलब ये रोप एक्सेलरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल भाई सीलिंग वाला एग्जांपल लेंगे, आंसर बताना क्या आएगा इसका, है ना। तो ये लिफ्ट वाला एग्जांपल है, लिफ्ट के अंदर रोप क्लाइंबिंग, सोचिए कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो लिफ्ट है, उसकी एक्सेलरेशन ए है, रोप मास एम, लेंथ एल, एज इट इज जैसा भी है सब कुछ, हालांकि उसकी नीड नहीं है मेरे को। और इस पर कोई पर्सन है, उसका मास एम पी, और ये पर्सन आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट पर्सन क्लाइम्स अप विथ, उसका एक्सेलरेशन गिवन है, मतलब ये गिवन डेटा है, क्वेश्चन में ये दी जा रही है आपको, गिवन दैट द पर्सन क्लाइम्स अप विथ एक्सेलरेशन ए पी विथ रिस्पेक्ट टू रोप, फाइंड फोर्स बाय द पर्सन ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड फोर्स बाय पर्सन ऑन रोप, क्या बनना चाहिए? नहीं शुभांकर, टाइम नहीं है बच्चा, टाइम की कोई जरूरत नहीं है। किस टाइम पर? टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वगैरह कांस्टेंट है इसमें। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो क्वेश्चन ध्यान से तो पढ़ो, फाइंड फोर्स बाय पर्सन ऑन द रोप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं बता रहा हूं क्या है ये। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करो, फोर्स बाय पर्सन ऑन रोप, क्या ये सेम नहीं हो जाएगा? फोर्स ऑन पर्सन बाय रोप, क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? जी प्रणव, एक मिनट बच्चन, क्या ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी?
फोर्स बाय पर्सन ऑन रोप एंड फोर्स ऑन पर्सन बाय रोप, क्या ये बराबर नहीं होंगे? न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करें तो फिर बस फर्क डायरेक्शंस का होगा, फोर्स बाय पर्सन ऑन रोप नीचे की तरफ होगा एंड फोर्स ऑन पर्सन बाय रोप ऊपर की तरफ होगा, इतना ही फर्क होगा। तो आप ये बताओ इस पर्सन के ऊपर कौन कौन से फोर्स है? देव, स्ट्रिंग के मास का कोई यूज नहीं है, मैं बता रहा हूं वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। आप सिर्फ ये एनालाइज करो कि इस पर्सन पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स होंगे। तो इसके ऊपर फोर्स ऑन दिस पर्सन बाय रोप ऊपर की तरफ, उसको एफ मान लेते हैं और यही पूछा गया है आपसे, प्लस ग्रेविटी की फोर्स विच इज मास ऑफ पर्सन इंटू जी। और अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या है इसकी, एक्चुअल एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे, थोड़ा सा रिलेटिव वाला कंसेप्ट यूज करके बताना इसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो रियल नहीं है, वो रिलेटिव है। नहीं नहीं नेहल, जी नहीं होगा, ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन रस्सी के रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू रोप है। तो इसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं, इसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन कुछ माननी पड़ेगी आपको, ए डैश मान लो, और थोड़ा सा रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगाओ कि अगर पर्सन का एक्चुअल एक्सेलरेशन ए डैश है तो रिलेटिव करने के लिए आपसे कहा गया था कि जिसके रिस्पेक्ट में देखना होता है उसकी एक्सेलरेशन का रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। तो अगर ये एक्चुअल में ए है तो विथ रिस्पेक्ट टू रोप देखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोसेस जो था अभी कुछ दिन पहले जो डिस्कस हुआ था, अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू रोप चाहिए ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए पर्सन के एक्चुअल एक्सेलरेशन में से आप जिसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो, जिसके रिस्पेक्ट में, अभी ज्ञान सही आंसर, उसकी एक्सेलरेशन का रिवर्स ऐड करते हैं इसमें, यानी एपी को रिवर्स ऐड कर देंगे, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव यही है। और इस हिसाब से ए डैश माइनस एपी जो होगा, ए डैश माइनस एपी, ये विथ रिस्पेक्ट टू रोप होगा, एपी नहीं सॉरी ए, ये ए है, ये ए रोप वाला है, विथ रिस्पेक्ट टू रोप कर रहे हैं, और रोप की एक्सेलरेशन और लिफ्ट की एक्सेलरेशन सेम होगी, रोप और लिफ्ट दोनों की सेम एक्सेलरेशन होंगी। तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू रोप देख रहे हैं ना, तो रोप का एक्सेलरेशन रिवर्स करके पर्सन के एक्चुअल एक्सेलरेशन में ऐड कर देते हैं, और फिर ए डैश माइनस ए, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें एपी के बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये एपी है। तो यहां से आप उस पर्सन का एक्चुअल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्सन विल बी ए प्लस एपी, रियल एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो पहले काइनेमेटिक्स के थ्रू आप उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन निकाले, और अब यहां न्यूटन लॉ फॉलो करें, तो न्यूटन लॉ के हिसाब से कैपिटल एफ माइनस मास ऑफ द पर्सन इंटू जी इक्वल टू इसका मास और ए डैश जो उसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन है, और आप ए डैश यहां से लेकर के आओ, ए डैश यहां से लेके जाओ, और फिर आपका आंसर आ जाएगा कि कितना फोर्स यहां लगेगा, वो इसके थ्रू मिल जाएगा तुम्हें। हाँ जी देव, सही आंसर। शुभंकर क्वेश्चन भेज देना, है ना, होपफुली मतलब आप लोग के जो डाउट्स रहे होंगे, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग को लेकर के जो डाउट्स होंगे उसमें काफी हद तक तो फिल्टर हो गए होंगे, अभी जो रह गए वो आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो जो डाउट्स अगर थोड़े से रह भी गए ना, तो वो व्हाट्सएप करिए या फिर नेक्स्ट क्लास का वेट करो, खत्म कर देंगे उसको भी। आज का एक्सक्लूसिव टॉपिक मेरा इसीलिए स्ट्रिंग को लेकर के है कि आप इसकी टेंशन पहले खत्म कीजिए, काफी दिनों से ये मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा है ना, एक दो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा है तो उसकी हिंट मैं उसको दे देता हूँ। उन्होंने एक डाउट मुझे ये एचसी वर्मा का भेजा हुआ है, यस रुक जाओ अभी उसमें टाइम लगेगा बच्चे, एक बच्चे ने ये डाउट भेजा हुआ है ना, वो क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन लॉ का क्वेश्चन नंबर 12। उसमें ये हो गया है कि ये दो लोग हैं और इनका दोस्त जो है
इन दोनों का एक दोस्त है वो गड्ढे में गिर गया है, मतलब ये दो पर्सन हैं और इनका दोस्त किसी गड्ढे में गिर गया है, तो ये लोग उसको बाहर खींच रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ये पूछा है कि ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये जो आदमी है ये कितनी फोर्स के साथ स्ट्रिंग को खींच रहे हैं। हाँ जी देव, 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन एक बार देखना। लेकिन इसमें एक एक ना एक वर्ड है, शायद आप वो अगर क्वेश्चन को नहीं रीड कर पाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, अगर उस वर्ड पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर मैं कई बार बोलता हूँ क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो थोड़ा सा बुक मैं ऐसे रख रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का मेन पार्ट यहाँ पर वो लिख रहे हैं, फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग। स्लोली पुलिंग वर्ड का मतलब बता दो मुझे आप। नहीं विनायक वो नहीं, लाइट रोप तो है ही है, बट स्लोली पुलिंग का क्या मतलब है? स्लोली पुलिंग क्या इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है? एक्सेलरेशन है या नहीं है मुझे इतना बताओ आप। स्लोली पुलिंग धीरे धीरे चल रहा है वो, तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन कंसिडर करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, एक्सेलरेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट इतना ही है। बाकी मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ क्या करना चाहिए आपको, मैं वर्बली ऐसे हिंट कर दे रहा हूँ क्या करना है तुम्हें। आपको क्या करना चाहिए आपको, देखो एक एक टेंशन फोर्स आप इधर दिखाओगे, एक टेंशन फोर्स इस तरफ, एक टेंशन फोर्स इस तरफ और एक एमजी डाउनवर्ड, और ये जो टेंशन फोर्स दिखाएंगे इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो इस टेंशन फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इधर वाले टेंशन फोर्स का एक अपवर्ड कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो इस टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और इधर वाले टी का वर्टिकल कंपोनेंट, वो दोनों मिल करके इसके वेट mg को बैलेंस कर देंगे। अब कंपोनेंट करने के लिए आपको यहां पर एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो यहां वाला एंगल आप पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से यहां से निकाल सकते हो ये एंगल, और इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक डायमेंशन दे दी है कि ये डिस्टेंस h है और ये पूरा d है। तो भाई इतनी हिंट है बच्चा, जिसने भी डाउट पूछा था ना आप देख लो, 12th क्वेश्चन आप इस लेवल से आराम से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इससे निपटा सकते हो। अरुण जब वो देख लो बच्चा, मैंने हिंट कर दी है, बाकी क्वेश्चन क्या है वो आपको देखना है। देखिए एक ये क्वेश्चन है 38, तो ये वो है क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, बस इंसान की जगह बंदर है, इंसान की जगह बंदर है, तो ये बंदर इस रस्सी पे चढ़ रहा है और इस बंदर की पूंछ पकड़ के दूसरा बंदर चल रहा ऊपर, ठीक है। तो ये बंदर है जो इसकी पहले वाले की पूंछ को पकड़ चुका है और ये वाला बंदर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। सो दो बंदर है और ये ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऊपर वाला भी अच्छा है, ये भी रोप क्लाइंबिंग का है, आप करिएगा इसको आज। प्रॉब्लम होगी मैं, हाँ जी प्रॉब्लम होगी इसको करने में, बता रहा हूँ, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से करोगे कि एक बार करोगे और आंसर आ जाएगा तो नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, बट बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट लर्निंग के लिए। बताएं डाउट क्या था बताइए। सर वो जो आप 38th क्वेश्चन बोल रहे थे, टू मंकीज वाला, सर उसमें रेंज में आंसर दिया है तो सर जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो तो आ गई थी, मैं उसकी हिंट कर दे रहा हूँ। आप उस क्वेश्चन में ये पता करना क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर क्या ऐसा कहीं लिखा है कि क्लाइंबिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी है या क्लाइंबिंग विद एक्सेलरेशन है, क्या इस टाइप से कुछ इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है न्यूमेरिकल्स के अंदर कि क्या ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का केस है या जीरो वेलोसिटी का केस है या फिर एक्सेलरेशन का केस है, क्योंकि अकॉर्डिंगली constant... हाँ जी क्या बोल रहे हो सर? शायद से कांस्टेंट है इसमें वेलोसिटी। नहीं नहीं शायद नहीं बच्चा, देखो यही यही लर्निंग करनी है आपको। आप लोग कह रहे हो ना कि न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो पाते हैं,
तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। और आप एक बार फिर से देखना, उसमें उसमें सिर्फ ये लिखा है कि दे आर क्लाइंबिंग। जिनके पास बुक हो वो पढ़ ले क्वेश्चन को, उसमें सिर्फ ये लिखा है द मंकीज आर क्लाइंबिंग। यस सर। तो इसका मतलब वो मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो गई? यस सर। तो आपको वहां दो केस मानने पड़ेंगे कि या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होंगे या उनमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, और इसीलिए रेंज आएगा वहां पर। सर जीरो वेलोसिटी के केस में क्या आएगा? नहीं, क्लाइंबिंग कहा हुई फिर? जीरो वेलोसिटी में क्लाइंबिंग है, वो तो हैंगिंग हो गया ना फिर। हैंगिंग और क्लाइंबिंग, हाँ क्लाइंबिंग मतलब ऊपर तो चढ़ना ही है। फिर सर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी क्या? नहीं, फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि किसी भी रोप की एक लिमिटेशंस होती है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप रोप पर हाथी से फोर्स लगवा दोगे। एक रस्सी को हाथी से अगर आप बोलोगे तुम खींचो तो क्या होगा रस्सी का? उसका तो टूट जाएगी। हाथी की ताकत ज्यादा है। तो एक रोप के फोर्स की लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड वो ब्रेक कर जाएगा। और ऐसा ही कुछ उस क्वेश्चन में लिखा है कि इट कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 105 न्यूटन या 30 न्यूटन, कुछ ऐसा बोला है उन्होंने। सर 30 न्यूटन लिखा था। सुनो बच्चा, हिंट कर तो रहे ना। अगर आपसे कोई ये कहे कि इस रोप की, सुनिए मैं आपको न्यूमेरिकल डेटा देता हूँ, चलो मैं यहाँ मैं एग्जैक्ट डाउट नहीं बताऊंगा, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। चलो मान लो कि ये मास 10 किलोग्राम, नहीं 10 किलोग्राम कम हो जाएगा, पर्सन है तो 50 किलोग्राम है, ठीक है 10 किलोग्राम का तो बच्चा हो जाएगा, 50 किलोग्राम मान लेते हैं, ठीक है जी। और अगर कोई आपसे ये कहे, फॉर एग्जाम्पल मैं हिंट कर दे रहा हूं कि रोप कैन टॉलरेट मैक्सिमम कुछ फोर्स मान लेते हैं 500 मैक्सिमम 1000 न्यूटन या मैक्सिमम 800 न्यूटन, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते आप, इससे ज्यादा लगाओ रस्सी टूट जाएगी, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि पर्सन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 16. मैं हिंट कर दे रहा हूं, पर्सन मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट हो सकता है? इनफैक्ट आप मुझे दो बातें बताना, फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन एंड फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दोनों बातें बताओ। तो मिनिमम एक्सेलरेशन किसी भी क्वेश्चन में, क्लाइंबिंग के लिए मिनिमम एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलो, जीरो वेलोसिटी का केस हो नहीं सकता बिकॉज फिर चढ़ेंगे कैसे। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको उस रोप के अकॉर्डिंग आएगी, 800 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, मतलब आप यहां पर मैक्सिमम 800 कर सकते हो मैक्सिमम, और मास 50 है, मास 50 है, तो 800 माइनस 50 इंटू जी यानी कि 500, तो 300 हो गया। और इधर यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो 6 m/s² हो सकता है। तो यही हिंट है उस क्वेश्चन के लिए, बट एग्जैक्टली मुझसे ना पूछो, मैं बता रहा हूँ जानबूझ के, नहीं बताना चाह रहा यार कि एक बार आप अपना एफर्ट भी लगाओ। मैंने आपको हिंट कर दिए उस बंदर वाले क्वेश्चन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए। जीरो वेलोसिटी का फोर्स बता रहे थे सर। नहीं, जीरो वेलोसिटी का सर फोर्स उसका जीरो नहीं होएगा सर, कैसे नहीं होएगा सर? नहीं, क्लाइंब कर रहा है ना, क्लाइंबिंग तो है। नहीं नहीं सर, जीरो वेलोसिटी में सर। तो जीरो वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ कि जीरो वेलोसिटी तो एक हैंगिंग रोप का एग्जांपल हो गया ना फिर, तो उसमें फिर तो वो ये वाला केस हो गया। जीरो वेलोसिटी का मतलब हो गया कि एक मास स्ट्रिंग से लटका हुआ है बस, वो तो टी इक्वल टू एमजी वाला केस हो जाएगा। यस सर। तो एक हैंगिंग मास क्लाइंबिंग करना, वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी भी देखो थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। ठीक है यार, चलिए इसको ऑलमोस्ट हो गया, एक लास्ट एग्जांपल लेके क्लोज करो यार जल्दी से, बस एक लास्ट एग्जांपल है।
क्वेश्चंस आप ट्राई करना उसमें से. एक फाइनल एग्जांपल है. अब मास अगर हम हैंगिंग एट मिड पॉइंट ऑफ द रोप तो क्या केस आएगा इसमें. और हम लोग ग्रेविटी मतलब वो मतलब रोप रोप जो है वो मासलेस मानेंगे. रोप को मासलेस मान रहे हैं. तो सबसे पहले ये बताओ ये वो है कि एक रोप है अगर वो मासलेस है तो फिर वो स्ट्रेट होगी. मासलेस रोप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी. अब हम इसके ऊपर ना कोई मास लटकाएंगे है ना. इसके ऊपर हम कोई एक इसके सेंटर पॉइंट पर कोई मास लटका देंगे. तो जैसे ही आप सेंटर पे कुछ मास पुट करोगे तो ये रस्सी सीधी नहीं रहेगी. ये घर में कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी लगाते तो जैसे ही कपड़ा डालते हो उसके ऊपर रस्सी थोड़ी सी नीचे की तरफ नहीं आती है. तो वैसे ही है एक स्ट्रिंग है लेकिन जैसे ही सेंटर पे कुछ मास रखोगे तो ये स्ट्रिंग थोड़ी सी इनक्लाइंड हो जाएगी. जैसे ही आप यहाँ पर कुछ मास एम लगाओगे तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये एंगल कितना बनेगा. मतलब सॉरी एंगल नहीं कि ये मास इंक्लाइंड हो गया और यहाँ पर थीटा एंगल बन गया तो इसमें टेंशन फोर्स कितना है ये निकालना है आपको. स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मासलेस रोप के मिड पॉइंट पर अगर हम कोई लोड डाल दें तो उससे अगर वो थीटा एंगल बन जाता है तो टेंशन फोर्स कितना हुआ. स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. तो फिर ये कर देंगे यार इसमें एक टेंशन फोर्स आप इधर की तरफ दिखा दो और एक टेंशन फोर्स इस तरफ दिखा दो. और इसके बाद क्या करना है. टेंशन फोर्स दिखाने के बाद अब क्या करना है देखो. कुछ हिंट मिल रही होगी आपको. सिंपल क्वेश्चन है. टेंशन फोर्स दिखाने के बाद क्या करना चाहिए इसमें. जी सुभी क्या करना चाहिए. दोनों दोनों जो टी है क्या इनको एज इट इज कर दें या फिर टेंशन फोर्स के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर कंपोनेंट्स. तो इस तरफ टी साइन थीटा और अपोजिट साइड पर टी कॉस थीटा. फिर दूसरे साइड से भी टी कॉस थीटा ऊपर आएगा. टी साइन थीटा इस तरफ होगा एंड डाउनवर्डली एम जी. अब इसको बैलेंस कैसे करना होगा. बैलेंस क्योंकि वो रेस्ट पे है तो टी साइन थीटा और टी साइन थीटा आपस में बैलेंस हो जाएंगे और ये दोनों टू टी कॉस थीटा जो ऊपर की तरफ है ये मिल करके mg को बैलेंस कर देगा. ठीक है. नहीं प्रणव मुझे पता नहीं है. मतलब ये गिवन इन्फॉर्मेशन है. मैं नहीं बता रहा हूँ. ये जो है ना ये गिवन डेटा है. जो गिवन फिगर है आप कह सकते हो कि आपको क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि दोनों तरफ सेम एंगल बन रहा है. मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा इसे. ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो लोड है उसको मिड पॉइंट पर रखा है तो सिमेट्री बन रही है. मिड पॉइंट पर रखने की वजह से और रोप में मास नहीं है इसलिए सिमेट्री है. तो उस बेसिस पर मैंने सॉल्व किया इसको जस्ट और कुछ नहीं. जी अभिज्ञान मिड पॉइंट पर रखने पर हमेशा ऐसे बनेगा. मिड पॉइंट पर रखेंगे ना तो हमेशा सिमेट्री का केस आएगा. मिड पॉइंट पर नहीं है फिर अलग प्रॉब्लम है. मिड पॉइंट पर नहीं है तू तो अब हमारी सीरीज ये वाली स्टार्ट होगी. बट अभी नहीं आज के लिए इतना ही रखेंगे. बट अगली क्लासेस में हम ये वाली सीरीज करेंगे. अब मास हैंगिंग फ्रॉम रोप मेकिंग सम एंगल्स एंगल वाले केसेस लेंगे अब. ठीक है. तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वो भी स्टार्ट कर देंगे. आपको बता दें फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में बिकॉज ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है. तो ये और रियल और एपरेंट वेट वेइंग मशीन का कंसेप्ट स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस रियल वेट एपरेंट वेट ये सब हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे. और स्यूडो फोर्स भी बच्चा स्यूडो फोर्स फ्रेम सब नेक्स्ट क्लास में आपका होगा. स्यूडो फोर्स और फ्रेम भी नेक्स्ट क्लास में होगा. क्या तो रहे आपसे आज के लिए सर. जी जी सर ये टेंशन फोर्स वाले आप क्वेश्चंस भेज देंगे कौन से करने. अच्छा देखो इसके एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअली. जो दो एचसीवी में मैंने आपको बताया है ना. जी सर वो आप करें और मतलब उसी में आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. उसके एग्जांपल्स वगैरह देख करके इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है सर. ठीक है ओके. ठीक है ना. चलो थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर.